हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और हम ऑप्टिकल फाइबर का लेक्चर 4.1 लेकर आए हैं। बी पैरामीटर काफ़ी टाइम से अवेटेड था, बहुत टाइम से इसको रिकॉर्ड करना चाह रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बी पैरामीटर करते हैं। तो आज हम बी पैरामीटर पढ़ेंगे। टुडेज लेक्चर इज ऑन बी पैरामीटर। बी पैरामीटर, बी नंबर या नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी, ये एक ही बात है। और होती क्या है, व्हेन सिग्नल लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू फाइबर कोर हैविंग अ डायमीटर इन द रेंज ऑफ 50 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर, इट कैन प्रोपोगेट अलॉन्ग द डिफरेंट पार्ट एंड दिस इज नोन एज मोड ऑफ प्रोपिगेशन। तो होता क्या है, जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, कोर क्लैडिंग इंटरफेस से अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट होती है लाइट और अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, या अलग अलग पाथ को ऑक्यूपाई करते हुए ट्रैवल करती है और आउटपुट पे हमें रिसीव होती है। तो ये जो लाइट ट्रैवल कर रही है इसको हम मोड्स बोलते हैं, ठीक है। जो एक्सेल यानी कि एक्सेस ऑप्टिकल एक्सेस के अलॉन्ग मूव करेगी इसको हम एक्सेल मोड बोलते हैं, और जो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुई है उसको हम लॉन्गर पाथ या हाईएस्ट ऑर्डर मोड भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग पाथ ट्रैवल करती है वो क्रिटिकल एंगल पे जो लाइट इंसिडेंट होती है वो करती है, और जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करती है वो एक्सेल मोड से जो लाइट इंसिडेंट होती है वो ट्रैवल करती है। और जैसे जैसे एंगल लार्ज होता है इंसिडेंट एंगल कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, वैसे वैसे जो मोड है उसका पाथ शॉर्टेस्ट होता जाता है। तो हमने क्या किया, हमने इनपुट पे एक साथ लाइट इंसिडेंट की, आउटपुट पे लाइट जो है अलग अलग टाइम पे रिसीव हुई, क्योंकि जो वो पाथ ट्रैवल कर रही है वो अलग अलग कर रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसा हमने इनपुट पे सिग्नल इंसिडेंट किया वैसा हमें आउटपुट पे सिग्नल नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या है, डिस्पर्जन बढ़ जाएगा, लाइट के जो सिग्नल्स हैं उनमें ब्रॉडनिंग हो जाएगी। अभी डिस्पर्जन क्या होता है या ब्रॉडनिंग क्या होती है नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे। तो क्या होगा, इसकी वजह से डिस्पर्जन हो जाता है। तो हम कोर की डायमीटर को रिड्यूस करना चाहते हैं कि ये जो पाथ में टाइम में डिफरेंस आ रहा है ये कम हो जाए, बट कोर की डायमीटर को कितना कम करें कि ये मल्टी मोड भी फाइबर पर रहे और डिस्पर्जन भी लूप हो जाए, तो वो हम वी पैरामीटर से या वी नंबर से या नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये फिगर है इसकी, जहाँ पे हमने क्या कर रखा है, डिफरेंट मोड्स दिखा रखे हैं। ये एक्सेल मोड है, ये हाईएस्ट ऑर्डर मोड है, लॉन्गर पार्ट ट्रैवल कर रहा है, ये शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रैवल कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अ रे ट्रैवलिंग अलोंग द एक्सिस इज नोन एज एक्सेल मोड एंड द हायर ऑर्डर मोड आर रे ट्रैवलिंग एट अ स्मॉलर एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन कोर क्लैडिंग इंटरफेस, सो द हायर ऑर्डर मोड इज ऑब्टेन व्हेन ऑप्टिकल रे और सिग्नल इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल। द लाइट ए डिस्टेंस ट्रैवल द एक्सेल मोड इज स्मॉलर एंड हायर ऑर्डर मोड ड्यू टू विच डिफरेंट ऑर्डर मोड्स रीच आउट अदर एंड ऑफ द फाइबर एट डिफरेंट टाइम, दिस इज कॉल्ड इंटर मॉडल डिस्पर्जन। This is undesirable feature which causes signal distortion and it can be eliminating by reducing the number of modes of traveling to be the fiber by reducing the diameter of core. If the diameter is core is less than 10 micrometer, then only single mode is possible due to which intermodal dispersion is eliminated. अब हमने डायमीटर तो रिड्यूस किया बट क्या हुआ, वो सिंगल मोड फाइबर बन गया। तो मल्टी मोड फाइबर भी रहे और डिस्पर्जन भी कम रहे, तो वो हम नॉर्मलाइज या वी पैरामीटर से डिस्क्राइब करते हैं। इसको कट ऑफ पैरामीटर भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ मोड सपोर्टेड बाय फाइबर इज डिटरमाइंड बाय कट ऑफ पैरामीटर और वी पैरामीटर और वी नंबर व्हिच इज गिवन बाय वी इक्वल टू 2 पाई ए अपॉन लैम्डा नॉट अंडर रूट एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव नहीं करना है, बस याद करना है। ए क्या है, रेडियस है, तो 2a क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। इसको डी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो वी इक्वल टू पाई डी अपॉन लैम्डा नॉट अंडर रूट एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। एन वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है, एन टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग है, और लैम्डा नॉट कितनी लाइट जो हमने लाइट इंसिडेंट की है उसका वेवलेंथ है। और अगर आप ध्यान से देखें एक्सप्रेशन को, अंडर रूट एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, ये आपका न्यूमेरिकल अपर्चर भी है, ठीक है, इसको न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इक्वल टू पाई डी अपॉन लैम्डा नॉट इन टू एन ए, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो वी नंबर इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी। हेयर लैम्डा नॉट इज अ वेव लेंथ ऑफ लाइट एंड डी इज अ डायमीटर ऑफ कोर।
अब वी पैरामीटर क्या होता है कि जो सिंगल मोड फाइबर होते हैं उसके लिए वी इक्वल टू या वी इज लेस देन जो है 2.405 के लिए होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर वी पैरामीटर नहीं दिया है तो आप उसको डायरेक्ट रख सकते हैं वी इक्वल टू 2.405, तो सिंगल मोड फाइबर कंसीडर हो जाएगा। मल्टी मोड फाइबर के लिए वी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2.405। अब वो कितने मोड ट्रैवल कर सकता है फाइबर, वो डिस्क्राइब होगा वी स्क्वायर बाई टू से। तो वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से और वी स्क्वायर बाई टू कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मोड्स आ जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ मोड्स वो ट्रैवल कर सकता है ऑप्टिकल फाइबर। इस पे डिपेंड करता है वी पैरामीटर, रेडियस पे डिपेंड करेगा, जो लाइट हमने इंसिडेंट की है उस पे डिपेंड करेगा, और कोर क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N2 पे डिपेंड करेगा। तो हर एक ऑप्टिकल फाइबर के लिए भी पैरामीटर अलग अलग होगा। अगर रेडियस सेम भी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो उसके लिए जो वी पैरामीटर है वो डिफरेंट वैल्यू आएगी, या इंसिडेंट लाइट हम डिफरेंट वेवलेंथ की इंसिडेंट कर रहे हैं तो उसके लिए वी पैरामीटर की वैल्यू डिफरेंट आएगी। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो हमारा मल्टी मोड फाइबर हो कुछ वेवलेंथ के लिए या कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, और उसी रेडियस पे वो सिंगल मोड फाइबर बन जाए, है ना। तो वी पैरामीटर किस पे डिपेंड करेगा, ए लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्पर्जन और एटोनेशन पे लेकर आएंगे। एटोनेशन और डिस्पर्जन को डिस्कस करेंगे, लॉसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।